चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन आज उस नारे को खत्म करने की साजिश है। 2022 में किसान की आय दुगुना कर देंगे, इसमें कोई ऐसे वादे नहीं हुए। 22 हफ्ते आगे जो बिजली मीटर लगाने जाएंगे और PSC आवेगी, 22 हफ्ते आगे हम रहेंगे। गोली लगो या डंडे लगो। एक संगठन है भारत में RSS बोल रहे, उसने कोई धरना नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं करा, कोई आंदोलन नहीं करा, मालिक बन गए देश के। तो मालिक बनने वाला रास्ता हम छोड़ो बैठे, उसने भरे आदमी का आना मालिक बने जाएगा, मतलब गलत तरफ ऊर्जा लग रही। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ आंदोलन का, उसका होने चाहिए आंदोलन, सरकार के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, लेकिन इसके बैक साइड में हमें अपना कैडर खड़ा करना चाहिए उसके मुकाबले का। जब तक कैडर नहीं है तब तक हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ऐसे तड़प हो जाएंगे। तड़प हो जाओ, आज 3 मुद्दों पर हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर आज 7 फरवरी और इसकी इस सरकार की ऐसी कितनी करेंगे जी, बावड़ाओगे जो ये हमारी फूट पटरी ने, कोई किंग चल दिया, कोई किंग चल दिया, कोई किंग चल दिया, ये नु सो ये लक्षा ना हुए, ये तो सारे बिखर जा, इसलिए बावड़ा के करोगे तो इसलिए बाहर नहीं बढ़ रहा भाई, एक हो गए तो बावड़ा का नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़े। रहा मुद्दा बिजली का, ये भी कह रहे भाई PSC आओगी मीटर लगाओगी, भाई आ जाओ तो PSC को भी, हम भी तैयार बैठे, PSC आ जा, जितने भरे क्षेत्र के काम है वे भी सुन ले भाई और बिजली वाले भी सुन ले भाई, 2 सप्ताह आगे जो बिजली मीटर लगाने जाएंगे और PSC आवेगी, 2 सप्ताह आगे हम रहेंगे, गोली लगो या डंडे लगो, सबसे आगे हम रहेंगे और पीछे तुम रहियो भाई, एक भी काम में लगा के दिखा दे तो हम देखेंगे न, इनके खाल में भूस भर देंगे, भूस आगे दिखा दो ये। अरे एक मामला जो है 10 तारीख में किसान यूनियन का, बहुत बड़ी महापंचायत है मुजफ्फरनगर, सब भाई वहां भी चलो, बस मैं इतना ही कहूँ, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय भारतीय किसान यूनियन। कोई सुनवाई नहीं हो रही किसान, सरकार का मैटर ये हो गया जी, ये गूंगी बहरी सरकार है, इसने क्या काम करा, किसानों के सारे झूठे वादे करे, बिजली मुफ्त मिलेगी चुनाव में करा था, 2022 में किसान की आय दुगुना कर देंगे, इसमें कोई ऐसे वादे नहीं हुए। आवारा छुट्टा पशु कई बार हमने न्यूज पर पढ़ी, DM साहब ने भी इसकी वो दी थी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ये पकड़े गए। साथियों, कुछ साल पहले इस देश के लोकप्रिय नेता जो खुद को मानते हैं, एक बात कही थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। इस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन आज उस नारे को खत्म करने की साजिश है। विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, बगल में देखो वकील साहब भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई एक है, दरअसल ये लड़ाई एक है, हम एक मानते हैं, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई में सबको एक होना होगा। भाई आना है, स्वागत रहेगा आपका बहुत।